दोस्तों तो हम पंचिंग टूल से इसको पंच कर रहे हैं, लेकिन पंच करते हुए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि क्लिपिंग टूल को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, पंच बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखें हम इसको पंच करेंगे। ठीक है, ये पंच हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये यहाँ से हम लोगों ने इसको पंच कर दिया। ठीक है दोस्तों, नज़र आ रहा होगा। अब हम यहाँ पर भी इसको पंच करेंगे, कोशिश करते हैं कि हम दो पंच करें इसको। ये नहायत अच्छी और मज़बूत चीज़ रहती है, देखें ये नहायत बेहतरीन रहता है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं।